आज एस आई ओ के बैनर के तहत और नांदेड़ के तमाम ही तलबा तंजीमों की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें हाल ही में जो वाक़यात पेश आए, जैसे कि यूपी के अंदर आफरीन फातिमा के घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया और रांची के अंदर झारखंड में जिस तरीके से गोलियां फायर की गई, तो इन तमाम ही हालात को देखते हुए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो मेमोरेंडम पेश किया गया था, उसके अंदर मुस्लिम यूथ फोरम का ज़िम्मेदार होने के नाते मैं तायीद पेश करता हूँ और आने वाले वक्त में इस तरह के हालात ना हों। और जैसा कि हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो हमेशा देते हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त ऐसा काम किया है उनकी गवर्नमेंट ने यूपी के अंदर कि बेटी को घर से बेघर करने का काम यूपी की गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडरटेकिंग में आती है वो की गई है। तो एक बड़ी बुरी हालात के अंदर अभी यूपी का और पूरा नॉर्दर्न इलाका चल रहा है, बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल है। तो उस चीज़ को संबोधित करते हुए, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए एसआईओ की तरफ से जो मेज़र पेश किया गया है बड़ा ही काबिल सताइश काम है। यूपी में जिस तरीके से अभी हाल में वाक़यात पेश आए हैं, ख़ास तौर पर नुपुर शर्मा का जो रिमार्क था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उसके अलावा आफरीन फातिमा घर के ऊपर जो इलीगल बुलडोजिंग हुई है, उसके अलावा प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, लाठी जिस तरीके से चलाई गई और दो हमारे नौजवान जो है शहीद हुए हैं उस धरने आंदोलन में, उन तमाम चीज़ों को निषेध करते हुए आज नांदेड़ के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग लीडर्स हैं, एसआईओ है उसमें जो है, राष्ट्रवादी है उसके अंदर जो है, स्वराज सेना है वगैरह और बहुत सारे एमआईएम वगैरह, ये सारी जो तंजीमें हैं वो लोग एक जगह आकर स्टूडेंट्स स्पेशली हम यहाँ पे कलेक्टर सर को मेमोरेंडम दिए हैं और इस बात को बताए हैं, हमारा एहतजाज दर्ज कराए हैं कि इस तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। जो गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क में राइज है उसी को बरकरार रखना चाहिए और इस तरीके के जो तत्व हैं माशरे में उन लोगों को ये तमाम चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसका सही लीगल तरीका क्या हो सकता है, उसको लेके काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये संदेश हम लोग जो है देना चाह रहे थे। उसके अलावा ये चीज़ के ये पूरा मामला जो अभी हम देख रहे हैं अग्निपथ के हवाले से भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपनी स्कीम्स के अंदर फेल हो चुकी है, उन्हें किसी तरीके की एडवोकेसी के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा वो फुलफ्लेज होकर काम नहीं कर पा रही है, ना है लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि उन लोगों को हट जाना चाहिए और नहीं हटेंगे, वो इस तरीके से नहीं हटेंगे तो जनता ज़रूर एक ना एक दिन उन्हें हटा देगी। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।